हेलो स्टूडेंट्स, सो दिस वीडियो रिगार्डिंग द IIST इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजीज तिरुवनंतपुरम। तो चलिए शुरू करते हैं, इसके बारे में क्या डिटेल का इन्फॉर्मेशन है। तो जनरली जो एडमिशन प्रोसेस सिंपली सभी को पता होगा, JEE एडवांस के थ्रू होता है। JEE एडवांस में आपको अच्छे मार्क्स लाने होते हैं। अगर आप 9000 के करीब आसपास रैंक ले आते हैं देन हो जाता है जनरली एडमिशन। तो यार इसका क्या सीन होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वारी आ रही थी कि मेरे पास कि भैया हमने जो है आपका पिछले साल की पूरी जो है रैंक लिस्ट देखी थी पिछले 2021 की, जिसके अंदर हमारे जो कुछ भी पल्ले नहीं पड़ा और जस्ट अगर हमें कुछ भी गलती हो जाती है तो शायद हमारी सारी के सारी सीट जो है आई थिंक कैंसल्ड इन दिस IIST प्लेटफॉर्म, राइट। सो यार इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। जैसे कि जस्ट आप IIST की वेबसाइट पे अभी अगर विजिट करते हैं देन वहाँ पे अभी एक ऑप्शन शो हो रहा है कि जो है यहाँ पे PG एडमिशन ओपन है, यानी कि PG एडमिशन पोर्टल्स आर ओपन फॉर PG प्रोग्राम्स लाइक MTech, MS, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम इज नॉट स्टार्टेड प्रेजेंट टाइम। सो ये जो है कब स्टार्ट होगा इसके बारे में भी डिटेल में डिस्कशन कर लेते हैं। सो यार जो IIST का जो एडमिशन पोर्टल है, दिस इज स्टार्ट द वेन द JEE एडवांस रिजल्ट इज डिक्लेयर्ड। ओके, सो JEE मेन रिजल्ट डिक्लेयर्ड, सॉरी, जैसे JEE मेन का रिजल्ट डिक्लेयर्ड होता है और ये शो हो जाता है कि कौन बच्चा JEE एडवांस के लिए एप्लीकेबल है। सो जो है जैसे आप JEE एडवांस का एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर देते हैं जो है वहाँ पे IIST का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो ओपन किया जाता है तकरीबन 9 से लेकर 13 दिन तक। जो भी बच्चे JEE एडवांस में अपीयर हुए हैं वो जो है IIST की वेबसाइट पे जाके अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं, देन वहाँ पे डाल सकते हैं कि जो है मेरा ये JEE एडवांस का ईयर जो है जस्ट लाइक जो भी एप्लीकेशन नंबर वगैरह है। तो जैसे ही JEE एडवांस का रिजल्ट डिक्लेयर्ड होता है IIST जो है अपने आप ही जो है रिजल्ट कैप्चर कर लेती है कि आपका क्या मार्क्स क्या सीन सारा आया है। देन जो जैसे आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं वहाँ पे आपको चॉइसेस लगानी होती है कि पहले मेरे को कौन सा लेना है, जैसे एरोस्पेस इंजीनियरिंग है, देन दो इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है अवियोनिक्स एंड जस्ट लाइक CS एंड जस्ट एक जो कोर्सेस है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, तो ये सारे के सारे सीन हैं। एंड एरोस्पेस में बच्चों का इंटरेस्ट होता है, देन दूसरा जो है इंटीग्रेटेड कोर्सेज में होता है क्योंकि इसमें सॉफ्टवेयर में भी जा सकते हैं। थर्ड जो ऑप्शन होता है वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का होता है, सॉरी इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन कौन सा है मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन तीन कोर्सेज बेसिकली मिलते हैं आपको, राइट। तीन मेजर कोर्सेज की बात कर रहा हूँ, वो भी मिलते हैं, ठीक है। तो जस्ट अब अपन बात करते हैं, जस्ट लाइक जो आपने पिछले साल की सीरीज वीडियो देखी थी उसमें कुछ बच्चों को कुछ समझ नहीं आया होगा अभी। तो यार जो एडमिशन प्रोसेस है दिस इज कंप्लीटेड बाई JEE एडवांस, ये तो सभी को कॉमनली समझ आ गया होगा। जैसे ही आप वहाँ पे अप्लाई करते हैं देन आपका जो है IIST रैंक रिलीज किया जाता है। जैसे जनरल में आपका IIST रैंक अगर 1100-1200 आ रहा है, तो पिछले साल की 2021 की अगर मैं बात करूँ तो जनरल IIST रैंक जो है वो 900 कुछ गया था। देन जो है वैसे ही OBC कैटेगरी का रैंक होता है, SC का होता है, PWD का होता है, तो उसके बेसिस पे जो है अब इसके अपन राउंड्स की बात करें कि भैया कितने राउंड होते हैं। तो यार मेजरली जो है 17 से लेकर 18 राउंड तो डायरेक्टली होते रहते हैं, जस्ट लाइक दो तीन तीन रीवैलिडेशन भी होते हैं जिसके अंदर आपको वैलिडेट कराना पड़ता है अपने रजिस्ट्रेशन को कि मैं एक्टिव हूँ, ओके। देन जो लास्ट में जो होता है उसके अंदर एक साथ ही तकरीबन 10-11 राउंड हो जाते हैं 2 से 3 दिन के अंदर, 2-2 घंटे का फेज होता है। जैसे कि सुबह 10 बजे कोई मेरिट आई देन आपको जो है एक से आधे घंटे या एक घंटे का टाइम दिया जाएगा, आधे से एक घंटे के अंदर आपको पेमेंट करना है, डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, देन फिर से जो है 3 बजे आपका फिर से राउंड रिलीज किया जाएगा, सॉरी 1 बजे, फिर से 3 बजे तक सारा कंप्लीट करना है, फिर से 3 बजे आपका फिर से रिलीज किया जाएगा, फिर आपको 5 बजे तक करना है, ठीक है। तो ऐसे भी जो है एक दिन के अंदर बहुत राउंड भी हो जाते हैं कभी कभी, तो पिछले साल ऐसा देखा गया है और राउंड जो है तकरीबन 24-25 राउंड तक चला गया था एडमिशन प्रोसेस। लेकिन यार जस्ट डिपेंड करता है JEE एडवांस के मार्क्स अगर आपके बेटर आ रहे हैं देन आपका फर्स्ट में भी हो जाएगा, इसे कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब जिन बच्चों को ये डर लग रहा है कि भैया हमारे तो ये समझ नहीं आता, देन यू कैन कॉन्टेक्ट नाउ काउंसलर्स, आप जो है मेंटरशिप प्लान ले सकते हैं या फिर काउंसलिंग प्लान ले सकते हैं, जिसके लिए जो है आप नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया गया है या फिर आप कॉल भी कर सकते हैं, या फिर इंडिया में और भी बहुत सारे लोग हैं जो कि काउंसलिंग प्रोवाइड करते हैं, मेंटरशिप प्रोवाइड करते हैं, जो कि कुछ चार्जेस लेते हैं, लेकिन हाँ
आपका जो है काम कंप्लीट करवा देते हैं, यानी कि जस्ट सारा का सारा जो भी राउंड वगैरह होता है, फॉर्म वगैरह सारा का सारा फिल कर देते हैं, देन आपको जो है आपकी डिजायर्ड ब्रांच दिलाने में आपकी पूरी हेल्प करते हैं जस्ट। तो मैं आपको यही सजेस्ट कर सकता हूँ कि अगर आपको ये सब समझ नहीं आ रहा, देन जस्ट आपको चीज़ ज़्यादा कोई अमाउंट नहीं लगता है जिससे आपकी जस्ट जिंदगी एक पेज से दूसरे पेज पे जा सकती है, देन आप कुछ हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। तो जस्ट ये सारा सीन है, और जस्ट जेई एडवांस को फोड़ो, अगर जेई एडवांस में बहुत अच्छे मार्क्स लेके आते हो देन यू कैन गो नाउ इसरो एंड चांद मून और आसमान की शेयर करो यार। ओके, खूब पढ़ते रहो, थैंक यू गाइस, धन्यवाद।